वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल डॉक्टर, इसमें आपका वेलकम। दोस्तों आज का ट्यूटोरियल भी है सब दिन से अलग और बहुत ही लाजवाब है। इस तरीके का वीडियो ज्यादातर चाइनीज लोग बनाते हैं। HD VFX वाला आपने चैनल देखा होगा, उस पर इस तरीके का वीडियो आता है, पेड़ में ट्री से चिपक के गायब हो जाना। और ये बहुत ही गजब का ट्यूटोरियल है, जो भी देखता है वो कहता है वास्तव में क्या वीडियो है और इस वीडियो को मैं क्यों नहीं बना लेता। दोस्तों आप भी बना लोगे, क्योंकि आज मैं आपको इसका पूरा ट्यूटोरियल दे दूंगा और कल से ही आप इस वीडियो को बना लोगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। कोई भी इस वीडियो को देख लेगा ना एक बार तो आराम से इस वीडियो को बना लेगा। हर बार बोलता हूँ आप टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाओ। सभी लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी लगा रखा है और हर वीडियो में मैं लगाता हूँ, ताकि मैं जो भी इफेक्ट अपनी वीडियो में यूज कर रहा हूँ वो सारे इफेक्ट आपको आसानी से मिल जाए। तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, सारे इफेक्ट ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम में डाल रखे हैं और जो कुछ मैं आगे यूज करूंगा वो भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं VFX ट्रेंडिंग वीडियो का ही ट्यूटोरियल लाता रहता हूं। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन चला जाए और आप बड़े आराम से उसको देख पाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम देखते हैं हमारी पिछली वीडियो का कमेंट्स विनर कौन है। अब हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट और देखेंगे हमारा लक्की विनर कौन है। तो ये हमारे आज के लक्की विनर आ चुके हैं, बादल थापा जी 2639 इनका ये हैंडल नेम है और इनके चैनल का मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा रहा हूँ। आप इनको जाके सपोर्ट करें, क्योंकि नेक्स्ट नंबर आपका आने वाला है। तो दोस्तों हर दिन आपको एक विनर आपको यहाँ देखने को मिलेगा और उसका प्रमोशन मेरे द्वारा किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप इनको जाके सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं हमने वीडियो को शूट कैसे करना है, क्योंकि शूट करना ही सबसे बड़ा काम होता है। शूट कर लिया तो वीडियो एडिट तो हो ही जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि हमारा देखिए इस साइड में देखिए आप वीडियो एडिटिंग से पहले का चल रहा है और इस साइड में आप देखिए वीडियो एडिटिंग के बाद का चल रहा है। तो इस टाइप से आपको वीडियो को शूट करना है। मोबाइल को अपने ट्राइपॉड पे रखना है, बिल्कुल आपका फोन हिलेना और आपका वीडियो स्टेबल शूट हो। तो अब हम चलते हैं सीधे एडिटिंग की ओर, सीधे काइन मास्टर। यहाँ पे क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे, 9:16 का रेशो लेके क्रिएट करना है और करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले अपना यहाँ पे लेके आना है वीडियो। अब ये देखिए हमारा यहाँ पे वीडियो आ गया है। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले इसको हल्का सा एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट मेन्यू में जाके इस टाइप से आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ये आपका हल्का सा ब्राइटनेस कम कर लेना है इसकी, इस टाइप से आपको एडजस्ट करने के बाद देखिए हमारा ये एडजस्ट हो गया है। होने के बाद अब देखिए हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो हम जो आगे का पार्ट करेंगे कैंची में जाके आगे का करेंगे ट्रिम लेफ्ट। करने के बाद अब देखिए हमने यहाँ पे करना क्या, जैसे हम यहाँ पे इस टाइप से खड़े हुए तो यहाँ पे हमें वीडियो को कर लेना है स्प्लिट। स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे लेना है ये कैप्चर। कैप्चर होने के बाद अब जैसे आप यहाँ से फ्रेम से बाहर हो गए तो आपने और दूसरा सेकेंड आपका करेक्टर यहाँ से आएगा, तो यहाँ से आने से पहले बस थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड का रखना है और यहाँ पे आपको आगे कैंची में जाके कर देना है ट्रिम लेफ्ट, यानी बीच का इतना हिस्सा निकालना है। निकालने के बाद अब जैसे आप देखिए आपका ये एक्ट होगा। एक्ट होने के बाद अब जैसे आप यहाँ से चले गए, जाने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए आपने यहाँ पे करना है कैंची में जाके स्प्लिट। स्प्लिट करने के बाद अब जैसे आपका नेक्स्ट करेक्टर आके दोबारा से इस टाइप से खड़ा होगा और खड़ा होने के बाद जैसे अब यहाँ से खुलेगा तो जैसे यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे स्प्लिट करना है और ये बीच वाला कट कर देना है। कट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपको एक कैप्चर ले लेना है, ठीक। इस टाइप से आपके दो कैप्चर हो गए। होने के बाद अब आपने क्या करना है, वीडियो को यहाँ से कट करना है और आ जाना है क्रोम ब्राउजर में। यहाँ पे आपको सर्च करना है रिमूव बीजी, ये आप सर्च करेंगे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा, इसको आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। करने के बाद आपने बारी बारी से दोनों को सिलेक्ट करना। अभी देखिए इस तरीके से आपका पहला ये बैकग्राउंड निकल गया, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद प्लस पे यहाँ पे क्लिक करना है, सेकंड वाला ले लेना है। अभी देखिए सेकंड वाला भी आपका यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो गया, इसको भी डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से करने के बाद अब आपको आ जाना है फिर से काइन मास्टर में। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे देखिए जो पहला आपने यहाँ से स्प्लिट किया है, यहाँ पे आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और पहला वाला यहाँ वाला आपको लेके आ जाना है। जैसे हमारा ये था तो हम इसको यहाँ लेके आ गए और इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट स्क्रीन में जाके इसको कर देंगे फुल।
ठीक है। फुल करने के बाद इसको आपने कहाँ तक रखना है, बस थोड़ा सा आपको रखना है, यहाँ से आपको ऐसे इतना कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आउट एनिमेशन, इस पे जाना है आपको, फेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक बार प्ले करके देखते हैं कैसा हमारा बना। तो ये हमारा स्टेप से गायब हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमने नेक्स्ट स्प्लिट किया है यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद फिर लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और आपने सेकंड वाला जो बैकग्राउंड है उसको ले आना है। तो हमारा ये आ गया, इसको भी स्प्लिट स्क्रीन में जाना है, फुल कर देना है। फुल करने के बाद इसकी भी लेंथ आपको कम कर देनी है। अब आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए आपको ओवरऑल एनिमेशन में जाना है, और इस पर आपको पल्स करना है, यानी पल्स करेंगे। और पल्स करने के बाद देखिए अब आपका इसको प्ले करके देख लो आपको वीडियो कैसा बन गया। तो इस टाइप से आपका ये दिखाई देगा। और अब इसमें आपका केवल रह गया म्यूजिक का काम। अब म्यूजिक आपको अपने हिसाब से ऐड कर लेना है, कौन कौन सा आपको फनी म्यूजिक यहाँ लगाने हैं। बाकी सारे म्यूजिक मैं यहाँ पे टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से इसमें ऐड कर लेना। वीडियो आपका बन के रेडी हो गया, बहुत ही सिंपल वीडियो है, इसको कोई भी बच्चा भी देख लेगा, वो भी आराम से बना लेगा। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो, आज का इन्फॉर्मेशन उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा, और आप इस तरह का वीडियो बड़े आराम से बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।